गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, स्वागत है आपका मनी नाइन पर। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों का ये बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। आज की पहली खबर डीमैट खाता धारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है। डीमैट और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी का नाम बताने के लिए अब आपके पास केवल 5 दिन बचे हैं। अगर 30 सितंबर तक नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं करवाया तो डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो पर रोक लग जाएगी, मतलब ये फ्रीज हो जाएंगे और निवेशक ना तो निवेश कर पाएंगे और ना ही अपना पैसा निकाल पाएंगे। सेवी ने कहा है कि नए और मौजूदा दोनों निवेशकों के लिए नॉमिनी का नाम बताना जरूरी है। सेवी ने यह कदम निवेशकों को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करने के लिए उठाया है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट के जरिए अगर आप भी ऊंची ब्याज दर से रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो जल्द ही एफडी करवा लीजिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से एफडी पर ब्याज दर कम होने का सिलसिला शुरू होने वाला है और इसकी शुरुआत एचडीएफसी बैंक करेगा। एचडीएफसी बैंक ने अपनी स्पेशल एफडी पर ब्याज दर घटाने की घोषणा की है। बैंक के अपने ग्राहकों को भेजे गए ईमेल में इसकी जानकारी दी है। बैंक ने इसी साल मई में अपने ग्राहकों के लिए सीमित अवधि वाली स्पेशल एडिशन फिक्स डिपॉजिट स्कीम पेश की थी। 33 महीने वाली इस एफडी पर बैंक ग्राहकों को 7.20% और 55 महीने में मैच्योर होने वाली एफडी पर 7.25% ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। LIC की सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी धन वृद्धि में निवेश करने के लिए अब आपके पास गिनती के ही दिन बचे हैं। LIC ने सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान धन वृद्धि को बंद करने की घोषणा की है। LIC ने कहा है कि धन वृद्धि प्लान 30 सितंबर 2023 से बंद हो जाएगा। LIC की धन वृद्धि स्कीम एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग सिंगल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो निवेशकों को सुरक्षा के साथ साथ बचत भी देता है। LIC ने इस प्लान को सबसे पहले 23 जून 2023 को लॉन्च किया था। क्या अभी भी आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं तो जल्दी इन्हें बैंक में जमा करवा दीजिए, नहीं तो 5 दिन बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 2000 रुपये का नोट बैंक 30 सितंबर के बाद लेन देन के लिए पूरी तरह बंद कर देगा। RBI के मुताबिक बाजार में अभी भी 7% 2000 रुपये के नोट मौजूद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक ने लोगों को 2000 रुपये के नोट बदलने या बैंकों में जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। इसके बाद बैंक भी 2000 रुपये के नोट स्वीकार्य करना बंद कर देंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए ट्रेडिंग का समय बढ़ाने की घोषणा पर काम कर रहा है। एक्सचेंज ने इसके लिए शाम के सत्र का प्रस्ताव रखा है, मतलब निवेशक सुबह 9:15 से शाम 3:30 के नियमित सत्र के बाद शाम 6 से रात 9 तक फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग जारी रख सकेंगे। NSE बाद में समय को और बढ़ाकर रात 11:30 तक करने की भी योजना बना रहा है, मतलब भारतीय निवेशक अब आधी रात तक शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर सकेंगे। अक्टूबर के महीने में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इस महीने में खूब छुट्टियां पड़ रही हैं। छुट्टियों के कारण बैंक बंद होने से ब्रांच में होने वाले काम प्रभावित होंगे। हालांकि UPI और डिजिटल पेमेंट की वजह से लेन देन में कोई समस्या नहीं होगी। RBI ने कहा है कि बैंकों में छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग होंगी, इसलिए अक्टूबर महीने में बैंक ब्रांच जाने से पहले छुट्टियों का कैलेंडर जरूर देख लें। इस बार भी RBI ब्याज दर में आपको कोई राहत नहीं देने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि खुदरा महंगाई दर अभी भी काफी ऊंची बनी हुई है। ऐसे में अगले महीने होने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठक में RBI नीतिगत दर को एक बार फिर यथावत रखने पर फैसला कर सकता है। 6 सदस्यों वाली MPC की बैठक 4 से 6 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है। MPC की पिछली बैठक में ब्याज दरों को यथावत रखा गया था। एक और जहां गिग वर्कर्स के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर फ्रंट लाइन जॉब्स में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में फ्रंट लाइन जॉब्स में 17.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में कोविड के बाद इकोनॉमी के दोबारा खुलने से फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए डिमांड में जोरदार उछाल आया था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में 66 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स जॉब पैदा हुए थे, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में इनकी संख्या 80 लाख थी। क्रूड ऑयल में उबाल आगे भी जारी रह सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म JP Morgan की ताज़ा रिपोर्ट में ऐसा अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनर्जी कमोडिटीज़ में सुपर साइकिल के आसार हैं। कच्चे तेल की कीमतें $150 तक भी उछल सकती हैं, जो फिलहाल $93 के करीब बनी हुई हैं। साल 2024 में ब्रेंट क्रूड की कीमतें $90 से $110 के बीच रहने की संभावना जताई गई है। इस बीच बढ़ती कीमतों के कारण 21 सितंबर को भारतीय बास्केट में क्रूड की कीमत $93.5 प्रति बैरल पर पहुंच गई, जो 14 महीने का उच्चतम स्तर है।
बायजूस जैसा मामला फिर न दोहरा जाए, इसके लिए सरकार अनलिस्टेड कंपनियों के लिए सख्त कानून बनाने पर विचार कर रही है। कंपनी लॉ कमेटी बड़ी अनलिस्टेड कंपनियों के लिए कड़े फाइनेंशियल रेगुलेशन पर विचार कर रही है। कड़े नियम लाने से पहले पैनल बड़ी कंपनियों को परिभाषित कर सकती है। कंपनी लॉ कमेटी के इस कदम की वजह से एडटेक बायजूस में हुई गड़बड़ियों को माना जा रहा है। बायजूस के कई ऑडिटर्स ने कंपनी के बुक में गड़बड़ियों की ओर इशारा किया है। अब आखिर में चलते चलते बताते हैं कि बिजली के लिए कहां उपभोक्ताओं को अब ज़्यादा बिल चुकाना होगा। त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लिमिटेड ने बिजली शुल्क में औसतन 5-7% की बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। कभी लाभ कमाने वाली सरकारी इकाई रही TSCEL को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 280 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में इसे 80 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। इस घाटे को कम करने के लिए ही अब राज्य में बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर लॉगिन करें। यहां 7 भाषाओं में आप पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। वहीं खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।